हाँ बच्चों, तो शायद ये डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक हो। प्रयास करूँगा आज खत्म कर दूँ। ठीक है, ऐसे खत्म तो हो चुका है ऑलमोस्ट, कोई बचा नहीं, बस पाँच छः क्वेश्चन है एग्जाम के, करवा दूंगा उसको। सबसे पहली बात और करवाऊँ वो वाला डायरेक्ट डेरिवेटिव का तरीका कि नहीं? रहने देता हूँ, करवा दूँ, रहने देता हूँ। ठीक है ना, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है तो याद रखना डी वाई बाई डी एक्स इज टू इम्प्लिसिट फंक्शन का माइनस ऑफ ऊपर में y कांस्टेंट, नीचे में x कांस्टेंट, मतलब ऊपर में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे में y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सही है, रहने देते इतना ही। ठीक है, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चनों पे उसको यूज करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक आई टी एडवांस का क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हो सकता है पहले ही क्वेश्चन में आपको बेहोशी छा जाए, तो आप बेहोश ना हो, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ कहाँ भाग गए रे, एफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। सही है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस क्या 2, एंड जी एफ एक्स, एंड पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ, अबे चल नहीं रहा है, रख बकरे चल रहे, एंड जी एफ एक्स इक्वल्स जी एफ एक्स की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू एक्स और ऑल्सो एच ऑफ जी ऑफ जी ऑफ, कितने बार जी, दो बार है ना, एक्स इक्वल्स एक्स। देन मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, देन पहला ऑप्शन ये बोला गया है जी डैश टू इज इक्वल्स टू 1/15। सेकेंड ऑप्शन एच डैश 1 इजिकल्स टू 666, और तीसरा ऑप्शन H0 इजिकल्स टू 16, एंड फोर्थ ऑप्शन HG3 इजिकल्स टू 36। सही है, देख लो भैया कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, समझ गए? हाँ सर, अच्छा क्वेश्चन था, आईआईटी एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन था, बढ़िया था। ठीक है, इसको देख लें अच्छे तरीके से क्वेश्चन को, जिनको समझ में आ रहा है वो कर भी सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए आइए मिलकर सोल्व करते हैं, है ना जी सर। ये तो ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से देख लो, यहाँ से चलते हैं ना। जी एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगा, जी उधर जाएगा तो जी इनवर्स एक्स, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, यानी एफ एक्स इज द इनवर्स ऑफ जी एक्स। मतलब आप ये बोल सकते हो सर एफ एक्स इज इनवर्स ऑफ क्या, जी एक्स। आप कुछ क्वेश्चन इस तरीके के मैं बताया था आपको, हाँ सर। अब सुनो मेरी बात, ध्यान देना, अगर इधर से एफ को डिफाइंड करूँ, सही है, तो इधर से इसका इनवर्स डिफाइंड होता है, इधर से जी डिफाइंड होगा, सही है, इधर से जी डिफाइंड होगा तो इधर से इसका इनवर्स डिफाइंड होगा, दोनों का क्रॉस में एक तरीके से, सही है। अब पहले हम लोग टारगेट करेंगे थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में डेरिवेटिव किया गया है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले फोर्थ ऑप्शन पे टारगेट करते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या बोलता है, एच जी थ्री इज इक्वल टू 36। मतलब कहने का मतलब ये है, कुछ भी करो ये वाला वैल्यू कौन सा, ये वाला मार्ट साहब, ये कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाए मार्ट साहब, 3 आ जाए, क्या आ जाइए 3 आ जाए, तो मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा। अब ये 3 कैसे आएगा, ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। अगर मैं यहाँ 3 रखूँ तो 3 का क्यूब 27, और 3 × 3 कितना आ जाएगा, एक जीरो भी निकाल लो ना, काम देगा। F0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है, F0 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, और G2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा उल्टे से, ठीक है। और 3 रख लो, 3 रखने पे कितना मिल रहा है आपको, 3 रखने पे मिल रहा है 3 का क्यूब 27 और प्लस 9 36 38। अब ध्यान देना, बढ़िया से ध्यान देना, बढ़िया सोचना, अगर यहाँ मुझे 3 लाना है, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूँ, सुन लो देख लो, पहले इसको समझ लो, F0 क्या है, पहले इसको समझ लो, F0 2 है, तो ऐसे G2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा उल्टे से, और F3 कितना है, 38 है, तो ऐसे G38 क्या हो जाएगा, ये 3 के इक्वल हो जाएगा।
अगर x की वैल्यू मैं 38 रखूं यहां पे, कितना रखूं 38, तो g 38 और g 38 की वैल्यू कितना 3, तो यहां क्या बन जाएगा g 3 बन जाएगा, बनेगा ना। हाँ, ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा क्या रखना है, समझ आया है ना, वो हिंट मिलते रहेगा आपको, सही है। तो देयरफॉर क्या गिवन है, h ऑफ जी जी एक्स इक्वल्स क्या, कितना x, x की वैल्यू कितना 38, तो h g ऑफ g 38, ये जो कस्टू कितना 38, और g 38 कितना है बच्चा, g 38 कितना है 3 है, तो h ऑफ g 3 ये जो कस्टू क्या 38, देखो 38 है क्या ऑप्शन में, नहीं है सर, तो ये ऑप्शन गया। सेकंड ऑप्शन क्या है, h 0, सेकंड ऑप्शन क्या है h 0, h 0 अगर h 0 को g के फॉर्म में समझू तो f 0 2 है, तो h 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, h ऑफ g 2 बोल सकता हूँ ना, हाँ बोल सकता हूँ, क्योंकि g2 की वैल्यू क्या है 0 है, बिकॉज g f0 क्या है 2 है, तो g2 क्या होगा 0 होगा, बोल सकता हूँ ना, हाँ, ताकि वो पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट हो जाए और समझने में आसान हो। ये तो बात सही बोल रहे हो मार्ट साहब आप, सही है मेरी बात, हाँ सर। अब यहाँ 2 रखिए, क्या रखिए 2 रखो, तो 2 का क्यों 8, और 8 और 3 2 जा 6, 8 प्लस 6 कितना 14 और प्लस 2 16, सही है, 2 रखने पर कितना मिला 16, सही है। यानी कहने का मतलब यह है कि f2 कितना है 16 है, तो g16 कितना है ये 2 है, देखो यार, देखो यार, सही है, हाँ सर। अब चलते हैं नाउ, फिर से ऊपर वाले चलते हैं नाउ, h ऑफ जी जी एक्स इक्वल्स कितना x, तो x की वैल्यू कितना रख देते हैं 16, 16 रखेंगे तो क्या फायदा हो जाएगा, g16 होगा, और g16 की वैल्यू कितना जाएगा 2 आ जाएगा, और g2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, g2 देखो यार 0 है, होगा ना, हाँ सर। तो x की वैल्यू कितना रखता हूँ 16, तो ये क्या जाएगा h ऑफ g ऑफ कितना g2, ये जो कस्टू क्या 16 और ए 16 यहाँ पे, तो g16 क्या है बच्चा 2 है, तो h ऑफ g2 ये जो कस्टू क्या 16 और g2 की वैल्यू देखो कितना है 0 है, सही है, तो h ऑफ 0 ये जो कस्टू 16, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑफ फोर्थ पे वर्क हो गया। देख लो भैया, समझ लो अच्छे तरीके से, बढ़िया क्वेश्चन था, आईटी एडवांस का मजेदार क्वेश्चन बोल सकते हो ये, है ना, वन ऑफ द बढ़िया क्वेश्चन में इसको काउंट किया जाए, काफी मजा आएगा। देख लो भाई, देखो स्क्रीन रोको और लिखो। अब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, किस पे आते हैं, फर्स्ट और सेकंड पे। मैं डायग्राम नहीं मिटा रहा हूँ ताकि डायग्राम काम देगा अपने को, सही है, डायग्राम अभी काम देगा, डायग्राम अपने काम की चीज है भैया, ही सर सही बात बोल रहे हो सर। ये इनवर्स वाला वो याद रखना कि इनवर्स था ना, कौन एफ जी का, सही है, हाँ सर, इसलिए वेन डायग्राम रहने दिया हूँ, वेन डायग्राम बोलते हैं इसको, फंक्शन में देखेंगे, है ना, हाँ सर। मतलब आईटी एडवांस में ये जो लॉजिक है इनवर्स वाला, इससे 3-4 बार क्वेश्चन ये लोग गिरा चुके हैं अभी तक, सही है, हाँ सर। यहाँ तक कोई समस्या, समस्या तो समस्या ही है सर, आप कैसे कैसे पुट पाट कर दे रहे हो, हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है, अच्छे से समझिए, समझ में आएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था आईटी एडवांस का, ऐसा नहीं कि मैं रट के आया हूँ आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं भी क्लास में ही सोचता हूँ, यह है कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में बैठ गया चीज़ें, और आपके दिमाग में नहीं बैठा है, ये हो सकता है, मैं भी मान सकता हूँ इस बात को। चलिए नाउ, आप जी डैश टू चाहिए, तो यहाँ से बढ़ते हैं, जी एफ एक्स क्या है बच्चा, एक्स है, आप डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो क्या जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल्स क्या 1, तो जी डैश एफ एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बाई एफ डैश एक्स, सही है क्या, हाँ सर। हमें क्या चाहिए, जी डैश टू चाहिए, तो अगर एफ एक्स की वैल्यू कितना रखूँ 0 रखूँ, तो ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, सही है, सही है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना रखूँ 0 रखूँ, पुट एक्स इज़ इक्वल टू क्या 0, एक्स की वैल्यू 0 रख दूंगा तो जी डैश एफ 0 हो जाएगा ना यार, एफ 0, और एफ 0 की वैल्यू कितना है 2, सही है, चलो लिख दे रहा हूँ एफ 0 इज़ इक्वल टू क्या 1 बाई एफ डैश 0, सही है, और एफ एफ डैश एफ 0 की वैल्यू कितना है भाई 2 है, तो जी डैश 2 की वैल्यू क्या 1 बाई एफ डैश 0, 1 बाई एफ डैश 0। अब आपको एफ डैश 0 तो फाइंड करना पड़ेगा, यानी एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो, और उसमें एक्स की वैल्यू क्या रखो 0 रखो, सही है, हाँ सर, ये सही बोल रहे हो, ये आप सही बोल रहे हो, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा यार, एफ डैश एक्स हो जाएगा यार 3x स्क्वायर और प्लस क्या 3, और 0 रख दो, एफ डैश 0 कितना हो जाएगा, एफ डैश 0 आ जाएगा 3, तो यहाँ रख दीजिए वैल्यू भैया,
कितना जाएगा जी डैश? 2 हो जाएगा, कुछ गलती नहीं हुआ है? जी डैश 2 हो जाएगा, 1 बाई क्या एफ डैश 0, मतलब 1 बाई सही है 3x² + 3, ठीक है 1/3 हो जाएगा। देख लो भाई, देखो जल्दी से, देखो जल्दी से, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? हाँ सर, देख लो भाई, ठीक है। हाँ सर, अब देखो, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन चाहिए H SSS वाला, तो उसके लिए यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना? हाँ सर, तो कर दो। नाउ H of g of g x = क्या x, तो H dash g of g x है ना इंटू क्या g dash g x, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ भाई, h का h dash, g का g dash और अंदर वाले इसका g dash x इक्वल्स टू क्या 1, सही है? हाँ सर, अब आपको चाहिए क्या H dash g x इक्वल्स टू क्या 1/ क्या g dash g x इंटू g dash x। देखो भाई, देखो यार, देखो देखो देखो, सही है? हाँ सर, अब लाना क्या है यार यहाँ पे, यहाँ पे 1 लाना है यार, यहाँ पे क्या लाना है यार, 1 लाना है, तो 1 कैसे आएगा? सोचो क्या लाना है यहाँ पे, 1 लाना है। अगर सुन लो, x की वैल्यू मैं 1 रखूँ, कितना रखूँ 1, तो कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है ना, 6 यहाँ पे, हाँ सर सही है। तो यहाँ 1 रखूँगा, अगर यहाँ 1 रख, कितना रखता हूँ 6 रखता हूँ, कितना रखता हूँ 6, तो g6 कितना हो जाएगा 1 होगा, तो यहाँ क्या जाएगा g1, लेकिन अंदर में 1 लाना है, सही है? तो फिर से यहाँ पर 6 रख लो, यहाँ 6 रखोगे तो ये आ जाएगा कितना, 6 रखने के बाद 6 का क्यूब 216 और प्लस 18 कितना हो जाएगा 234, ये 236 हो रहा है, ध्यान देना ऐसा क्यों क्यों। अरे यहाँ 34 रखूँगा g 234, तो g6 के इक्वल आएगा, और g6 किसके इक्वल आएगा, g1 के इक्वल आएगा, इसलिए ऐसा किया हो ना, सही है? पुट x इक्वल टू क्या 234, x की वैल्यू कितना 234, तो h डैश ध्यान देना ये क्या आ जाएगा g34, और g34 की वैल्यू कितना g6, तो यहाँ g6 सही है, और g6 की वैल्यू कितना है यार 1, तो h-1 हो जाएगा, ये डिवाइडेड भाई g-, और ये क्या जाएगा g34 की वैल्यू क्या 6 इंटू क्या g-234। देखो यार, देखो सही है ना भाई, देख लो भाई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, देख लो भाई, ठीक है? हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, इधर मिटा रहा हूँ इसको, कुछ गलती तो नहीं किया हूँ यार, ऐसा मुझे आभास हो रहा है कि कुछ गलत तो अपन नहीं कर लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लिए होंगे देखा जाए। अब सुनो मेरी बात, अब आपको चाहिए g-6 और क्या g-234, तो पहला वाला कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, इससे पहले जो किए थे ना, मिटा रहा हूँ यार इसको, ठीक है? हाँ सर, ध्यान देना भैया, मुझे चाहिए g-6 और क्या g-234, सही है? हाँ सर, चलिए तो उससे चलना पड़ेगा, सेकंड वाले एक्सप्रेशन से, ठीक है? हाँ सर, सेकंड वाला क्या है भाई, ध्यान देना, g of f(x) = क्या x, इसमें कितना आया था यार, क्या बोलते हो g-x कितना आया था, g-fx (f'x), तो g-fx की जो वैल्यू आ गया था वो आ गया था 1/f'x आया था, ये आया था ना, हाँ सर। अब यहाँ 6 चाहिए, यहाँ क्या चाहिए 6, तो यहाँ 6 कब आएगा रे, सोचो यहाँ 6 चाहिए ना यहाँ पे भाई, तो ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ ताकि 6 मिले, 1 रखूँगा, पुट x = 1, 1 रखूँगा तो g-, और f1 कितना है 6 है ना, तो g-6 इक्वल्स टू क्या 1/f'1, सही है? हाँ सर, कोई तकलीफ नहीं सर, मिटा इधर क्वेश्चन मिटाता हूँ यार, इधर ऑप्शन अपने लिखने में सपोर्ट मिलेगा थोड़ा सा, सही है? हाँ सर, अब ध्यान देना भैया,
यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं सर? तकलीफ तो बहुत है सर, सही बताऊँ तो। चलिए ठीक है, अब एफ डैश एक्स फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 3x² प्लस क्या 3, तो एफ डैश वन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6, सही है। तो जी डैश 6 कितना आ जाएगा भाई? जी डैश 6 आ जाएगा 1/6, सही है। तो जी डैश 6 मिल गया। अच्छा इसी में मैं क्या रखूँ कि यहाँ पे 234 बने? क्या बने यहाँ पे? 234। तो x की वैल्यू 6 रखो ना यहाँ पे, तो एफ 6 कितना है? 234 है ना इसमें, बाई फर्स्ट, बाई क्या फर्स्ट x की वैल्यू कितना रख दूँ? 234, सही है। हाँ सर, तो कितना आ जाएगा भाई g डैश? ध्यान देना यहाँ पे कितना बन जाएगा, x 234 नहीं भाई 6, x की वैल्यू कितना रखूँगा 6, तो g डैश f 6, f 6 कितना? 234। क्वेश्चन क्या? 1/f·6, 1/f·6, f·6 से यहां से निकाल लो, 6 का स्क्वायर 36, 3 जा 108 प्लस 3, 1/111। अब देख लो वहां से h·1, ये दोनों का नीचे में प्रोडक्ट है ना इसका और इसका, तो h·1 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/6। हालत खराब हो गया सर, सच्चाई पूछो सर, सही है। देख लो भैया देख लो, ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गए? फर्स्ट सही नहीं है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ नहीं सही है, सेकंड और थर्ड सही है, देख लीजिए भाई देख लो, ठीक है। हाँ सर रहने दो सर, मैं बोला था ना बढ़िया क्वेश्चन है, प्राण निकल जाएगा, प्राण निकाल लिया, प्राण निकालने का वादा हुआ था हमारे और आपके बीच, ठीक है। मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, अच्छे से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है, आईटी एडवांस में पूछा गया था, और मतलब आईटी एडवांस का आसान क्वेश्चन नहीं था ये, बढ़िया क्वेश्चन था, निचोड़ लिया गया था क्वेश्चन में चारों तरफ से। चलो एक और आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन करते हैं, लल्लू सा है, ठीक है, नहीं बताऊंगा तो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ सर, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है सर। देखो पिछले क्वेश्चन किया नहीं हूँ यार मैं, वैल्यू को देख देख कर हिंट ले लेकर पुट करते गया हूँ, समझ में आया? 6 दिखा तो वहाँ 1/6 रख दिया, ऐसा किया, 1 दिखा तो वहाँ 1 रख दिया, ऐसा किया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ये आईटी एडवांस में था और जेई मेन में रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन 2011 में, जिस साल मैं पेपर दिया था, सही है, मेन मेंस का भी बोल सकते हो इसको, और एडवांस में का पुराना क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था डी स्क्वायर एक्स वाई डी वाई स्क्वायर इक्वल्स वाट, और चार ऑप्शन मैं आपको दे दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स पे पावर माइनस टू, सही है। और सेकंड ऑप्शन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना इंटू डी वाई बाई डी एक्स पे पावर क्या माइनस थ्री, और थर्ड ऑप्शन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पे पावर माइनस वन, और ये फोर्थ ऑप्शन है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर पे पावर माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स पे पावर माइनस थ्री इंटू डी वाई बाई डी एक्स पे पावर क्या माइनस थ्री, सही है। इन चार ऑप्शनों में से देखो ये क्वेश्चन को अगर मैं नहीं बताऊं तो आपके लिए टफ तो है क्वेश्चन, और मैं बहुतों को देखा हूं बताते हुए, इसको बहुत उल्टे सीधे तरीके से बताते हैं बहुत लोग मैं देखा हूं, सही है। हाँ सर देखिए आपको मैं बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, क्या है ये, ये डी एक्स वाई डी वाई का डिफरेंशिएशन है वाई के रिस्पेक्ट में, जैसा डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर होता था ना, डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, वैसे ही क्या है ये डी एक्स वाई डी वाई का डिफरेंशिएशन है किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट वाई की वैल्यू एफ एक्स अज्यूम कर लेता हूं मैं, वाई की वैल्यू क्या अज्यूम कर लेता हूं, एफ एक्स, समझ आया? जी सर। तो क्या आ जाएगा डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स। ये स्टेप आपको समझना पड़ेगा कैसा अज्यूम करते हैं, ठीक है। हाँ सर अब क्या, अब तो सर डी एक्स वाई डी वाई
डी एक्स वाई क्या, डी वाई क्या आ जाएगा, वन बाई एफ डैश एक्स, सही है। हाँ सर, अब बहुत सारे डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, सोचो सोचो, वाई के रेस्पेक्ट में भाई, क्यों सर, हमें डी स्क्वायर एक्स वाई डी वाई स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स वाई क्या, डी वाई स्क्वायर, और सुन लो, वन बाई एफ डैश का एक्स का क्या जाएगा, माइनस वन बाई क्या, एफ डैश एक्स का स्क्वायर, ये तो अभी अभी एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ है, इंटू क्या, डी एक्स वाई डी वाई, ठीक है, यहाँ तक देख लो भाई, सही है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। और एफ डैश एक्स मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होल स्क्वायर, सही है, इसको क्या लिख दूंगा, वन बाई क्या, डी वाई बाई डी एक्स, देखो देखो यार, कुछ गलती नहीं की है, एक मिनट यार, कुछ गलत है यार, मुझे लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, चेन रूल लगाने में गलती कर ली है, थोड़ा सा रुक जाना, सही आता है, हाँ बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सही है, मैं थोड़ा सा चेन रूल लगाने में गलती किया, आपको दिखा दे रहा हूँ क्या गलती हुआ है, ठीक है। हाँ सर, ध्यान देना, पहले तो यार देख ही लो ना यार, ऐसे देख ही लो, पूरा चेन लगा के बताता हूँ आपको, क्या लिखोगे सर, डी, मैं शॉर्ट में करने के चक्कर में थोड़ा सा गलती कर लिया था, एफ एक्स पे पावर माइनस वन, एफ डैश एक्स पे पावर माइनस वन, और भाई क्या डी क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स, सही है, इंटू डी एफ डैश एक्स, और भाई क्या डी एक्स, और इंटू क्या डी एक्स बाई डी वाई, ये हुआ ना अभी, सही है। हाँ सर, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई क्या, डी वाई स्क्वायर, सही यहाँ तक। हाँ सर, और पावर कहाँ आएगा, सामने, तो माइनस वन सामने आएगा, पावर कितना बचेगा, माइनस टू, यानी एफ डैश एक्स का क्या, होल स्क्वायर, और एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ डबल डैश एक्स, सही है, इसको लिख दूंगा क्या, वन बाई क्या, डी वाई डी एक्स, वन बाई डी वाई डी एक्स, और ये भी क्या है, डी वाई डी एक्स, ये एफ डैश एक्स, देखो ना यार, एफ डैश एक्स क्या है, डी वाई डी एक्स, और ये भी डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा ना यार। हाँ सर, नीचे में दोनों, हाँ सर, और सामने माइनस लगा है, इंटू एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स मतलब दो बार डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव कैसे लिखते हो, अगर वाई एक्स का फंक्शन रहा तो। हाँ सर, देख लो भैया, अब क्या होगा, माइनस ऑफ, इसको आगे लिख दो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको डी वाई बाई डी एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, ऊपर लेके जाओगे तो माइनस थ्री, देख लो कौन सा सही है, देख लो, कोई ऑप्शन नहीं है सर, माइनस माइनस तो गलती नहीं कर दी भाई, देख लो ये ऑप्शन में माइनस, एक मिनट रुक जाओ यार, हाँ सेकंड ऑप्शन माइनस दिया हुआ है भाई, आप देख के वो कर रहे हो ना, लग रहा नहीं, सेकंड माइनस दिया हुआ है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, देख लेना भाई, ऐसा नहीं है, आपको इंटरनेट पे क्वेश्चन मिल जाएगा, सही है। हाँ सर, क्लियर, हो क्लियर नहीं, होश उड़ा दिया, ये भी मिटा रहा हूँ भाई, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन था, ठीक है भाई, यस सर, यहाँ तक कोई तकलीफ, आज के क्लास में तकलीफें तकलीफ हैं, देखो भैया, जिनको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के बारे में जो सोचते हैं वो तो ना देखें तो ज़्यादा बढ़िया है, उससे लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, सारे कवर हो चुके हैं, है ना, बस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं उनको कवर कर दे रहा हूँ, जो जो पूछे गए थे बढ़िया मुझे लगा, है ना, हो सर, चलो चलो रे, चलो गांव वालों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ये देखो एक सड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया था, इफ वाई इक्वल्स सेक टेन इनवर्स एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल वन, ये मेंस का क्वेश्चन है, सड़ा सा क्वेश्चन है, बना दो जल्दी से, सही है, हाउ सर, चलो जल्दी से कर दे रहा हूँ, तो डी सीधा कर देता हूँ यार, डी वाई बाई डी एक्स, या चाहो तो इसको आप सेक इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, यही कर सकते हो, चलो सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू टैन टैन इनवर्स एक्स, पहले सेक का करोगे ना यार, सेक थीटा है तो सेक थीटा का क्या, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और टैन इनवर्स एक्स का क्या, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर वाले का, अब एक्स की वैल्यू वन रखो तो डी वाई बाई डी एक्स टैन इनवर्स वन पाई बाई फोर, तो सेक पाई बाई फोर है ना, इसको वन ही लिख दो यार, वो तो वन आ जाएगा, सही है, और वन बाई वन प्लस वन का स्क्वायर, सेक पाई फोर कितना होता है यार, कॉस पाई फोर का उल्टा रूट टू बाई क्या टू, तो ये क्या आ जाएगा, वन बाई रूट टू, ये जय मेन का क्वेश्चन है यार, सड़ा सा,
देखो भाई, अब सड़ा सा है तो है, बात खत्म। सही है, एक क्वेश्चन और। इफ जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, वैसा नहीं है जैसा वो पुराना वाला था, ठीक है, डरना मत, ये आसान था, मेंस में पूछा गया था। सही है, मेंस का क्वेश्चन है ये, पता नहीं कब का है, मेंस का है। जी एक्स इज इनवर्स ऑफ क्या, एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स, एंड एफ डैश एक्स इक्वल्स वन बाई वन प्लस एक्स पे पावर फाइव। देन मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आपसे प्रूफिंग पूछ लेता हूँ ना। देन प्रूफ दैट जी डैश एक्स इक्वल्स, जी डैश एक्स इक्वल जो आंसर है उसको मैं देता हूँ प्रूफिंग में, वन प्लस जी एक्स पे पावर क्या फाइव, ये प्रूफ करना है यार। देखो ये जेई मेन का क्वेश्चन रहा है, ये जेई मेन का क्वेश्चन रहा है, ठीक है भैया। हाँ सर, कोई समस्या नहीं सर, बनेगा। चलिए देखते हैं, जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, जी एक्स इज इनवर्स ऑफ क्या एफ एक्स, यानी जी एक्स इज इक्वल टू क्या एफ इनवर्स एक्स। एफ को इधर ले आइए, एफ जी एक्स, बहुत बार ये आ चुका है यार, सीधा लिख दे रहा हूँ ना। आपने इसके पूछा क्या गया है, जी डैश एक्स ना, एफ डैश जी एक्स इज टू जी डैश एक्स। तो जी डैश एक्स की वैल्यू कितना जाएगा, उधर का डिफरेंस इधर वन, और ये क्या एफ डैश जी एक्स। देखो सही है, अच्छा एफ डैश एक्स की वैल्यू इतना है भाई, वन प्लस एक्स कितना, ये देखो ध्यान देना, एफ डैश एक्स ये है तो एफ डैश यहाँ पर जी एक्स, तो यहाँ क्या जाएगा वन बाई वन प्लस क्या जी एक्स पे पावर क्या फाइव। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है आया। अरे एक्स के जगह पर जी एक्स रखा हुआ है तो एक्स के जगह पर जी एक्स हम भी रख दिए यहाँ पे, सही है। तो जी डैश एक्स की वैल्यू कितना जाएगा, वन प्लस क्या जी एक्स पे पावर क्या फाइव, खत्म। ये जेई मेन का क्वेश्चन रहा है, देखो जेई मेन में कितने सड़े सड़े क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। एक और क्वेश्चन था जेई मेन में ही पूछा गया, देख लो हंसी आ जाएगा आपको। इफ डेरिवेटिव ऑफ है ना, डेरिवेटिव ऑफ हटवे हट 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 डेरिवेटिव ऑफ है ना किसका, टेन इनवर्स सिक्स एक्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस नाइन एक्स क्यू, वन माइनस नाइन एक्स क्यू ईच, इसका डेरिवेटिव बताया गया था रूट एक्स इंटू जी एक्स, रूट एक्स इंटू क्या जी एक्स, फाइंड जी एक्स। क्या बताना है आपको, जी एक्स की वैल्यू बताया, देख लो भाई ये क्वेश्चन था और चार ऑप्शन दिए गए थे, सही है। हाँ सर, इसका डेरिवेटिव कुछ ऐसा आता है रूट एक्स इंटू जी एक्स, तो बताइए जी एक्स की वैल्यू क्या होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान देना क्या करेंगे, इसको वाई मान लेता हूँ, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स क्या हो गया भाई, टेन इनवर्स ध्यान देना भाई, इसको लिख दूंगा थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स रूट एक्स प्लस क्या थ्री एक्स रूट एक्स, लिख सकता हूँ ना इसको, हाँ सर। और नीचे वाला क्या लिखूंगा, वन माइनस थ्री एक्स रूट एक्स इंटू थ्री एक्स रूट एक्स, दो बार देखो तो आ रहा है क्या उतना मल्टीप्लाई करने से, थ्री एक्स रूट एक्स इंटू क्या थ्री एक्स रूट एक्स, देखो तो सही है, देख लो भाई। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई टाइप का चीज है ना, तो क्या जगह ये हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री एक्स रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स रूट एक्स, यानी टू टेन इनवर्स थ्री एक्स रूट एक्स, ये आएगा भाई। देखो अब इसका डी बाई डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए इसका डी बाई डी एक्स, क्या जाएगा डी बाई डी एक्स, खत्म, डी बाई डी एक्स चाहिए, हाँ सर। तो टू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा टेन इनवर्स का वन प्लस ये वाले मटेरियल का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन एक्स क्यूब, सही है। अब इसका थ्री एक्स रूट एक्स का थ्री बाहर रहेगा, सही है, और एक्स रूट एक्स मतलब क्या एक्स पे पावर थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू सामने आ जाएगा, सही है, और एक्स पे पावर हाफ हो जाएगा थ्री बाई टू माइनस वन, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, सही है, और रूट एक्स मतलब क्या हो जाएगा हाफ, ए रूट एक्स एक्स पे पावर वन बाई टू मतलब क्या एक्स पे पावर हाफ, सही है क्या, हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा रूट एक्स, इसको आगे लिख दिया इंटू नाइन डिवाइडेड बाई वन प्लस नाइन एक्स क्यू, तो यही जी एक्स है। ये देख लो, देख लो कुछ कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लियो, बाकी सब चीज़ सही है, सही है। अरे टू से टू कैंसिल हो गया, थ्री थ्री जा नाइन हो गया, इसको आगे लिख दिया, खत्म मामला, अरे खत्म खत्म रे बच्चवा, ठीक है भैया, यस सर, ठीक है, हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहे हूँ, कोई तकलीफ यहाँ तक
नहीं सर, तकलीफ पूछोगे तो बहुत है सर आज के लेक्चर में, लेकिन मान लो कि अपने को तकलीफ नहीं है, ऐसा मान लो आप। यहाँ तक कोई समस्या? नहीं सर। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आईटी एडवांस में पूछा गया, एडवांस का? नहीं 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 हम लोग नहीं बनाएंगे, छोड़ देते हैं सर। कैसी बात करते हो आप, नहीं बनाएंगे सर? आप ही बनाओ, आप ही सीखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग के लिए नहीं है सर। आसान है, देख लो कहो है ना, शायद अंतिम बोल दो, चैप्टर को कंप्लीट बोल दो। क्वेश्चन ये था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, आईटी एडवांस में पूछा गया था। अब डरना मत स्लोप ऑफ टेंजेंट से, मैं बता दे रहा हूं उसका मतलब क्या होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व वाई माइनस एक्स पे पावर 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एट कहाँ पे, 1.3, एट 1.3 पे। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy/dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब आप आगे पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, dy/dx। तो बस dy/dx फाइंड करना और x की वैल्यू 1 रख देना और y की वैल्यू 3, ये बहुत सर। हाँ तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, y माइनस एक्स पे पावर 5, ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट हो जाएगा रूट एक्स, और ये हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। तो y की वैल्यू पहले ये रूट एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यार, x पे पावर कितना हो जाएगा 5/2, 2 प्लस 1/2, और प्लस x पे पावर कितना 5। ये देखो इतना आसान हो गया। अब dy/dx फाइंड कर लीजिए, dy/dx गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जब स्टार्ट होगा। तो रूट एक्स का क्या, हाफ रूट एक्स, सही है, और ये 5/2, और एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 3/2, और ये क्या हो जाएगा 5 एक्स पे पावर क्या 4। अब एक्स की वैल्यू कितना रखना है यार, 1। सर वाई की वैल्यू नहीं यूज में आया तो मैं क्या करूँ, ठीक है नहीं आने दो, dy/dx 1 रख दो तो ये हो जाएगा 1/2, और ये 5/2, और ये प्लस 5, 5/2 प्लस 1/2 6/2, 5 प्लस 3 क्या 8, यही आंसर था, यही आंसर था रे, यही था यही था, मैं क्या करूँ यही था तो ठीक है रे। यस सर। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था इफ एफ थीटा इज इक्वल्स टू, ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन था, एफ थीटा इक्वल्स क्या बोला गया था, साइन टैन इनवर्स, साइन टैन इनवर्स, सही है, साइन थीटा बाई रूट अंडर कॉस टू थीटा, रूट अंडर क्या कॉस टू थीटा, देख लो भाई साइन टेन इनवर्स साइन थीटा भाई क्या रूट कॉस टू थीटा, देन एफ थीटा एफ डी एफ थीटा बाई टेन डी टेन थीटा, मतलब एफ थीटा का डिफ्रेंसिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, टेन थीटा के रेस्पेक्ट में, है ना। तो सबसे पहली बात, अगर वो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सही है। हाँ सर ये आईटी का क्वेश्चन है। अब टैन इनवर्स है तो यहाँ भी क्या करते हैं, इसको टैन में कन्वर्ट करते हैं ना। हाँ सर अब सुनो मेरी बात, ये टैन इनवर्स, ये सुन लो, यहाँ टैन इनवर्स है तो इसको साइन इनवर्स में बदलो, यहाँ टैन इनवर्स है तो इसको किस में बदल दो, साइन इनवर्स में। तो टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर और ये क्या बेस, सही यहाँ तक। अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला ये जगह रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कॉस टू थीटा और प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा, सही है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा क्या लिख दोगे, 1-2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको देखो कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या था, 1-2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या जाएगा 1-साइन स्क्वायर थीटा होगा, यानी क्या क्या 1-cos² थीटा 1-sin² थीटा यानी क्या कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या कॉस थीटा, सही है कुछ नहीं बोला गया था, तो यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू कितना आ गया कॉस थीटा, सही है। तो एफ थीटा की जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा साइन टैन इनवर्स, सही है, और साइन इनवर्स में बदलना है ना इसको, हाँ सर साइन इनवर्स में जानते हो ना कर्म रजन यार, हाँ साइन इनवर्स ये भाई है साइन थीटा भाई क्या कॉस थीटा,
पी बाई एच, सही है? हाँ सर। अब ये इसको हटा देगा तो एफ थीटा की वैल्यू क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या, टैन थीटा। अब टैन थीटा का टैन थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, वन तो होता है, किसी का सेम चीज का सेम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, इसका टैन थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, टैन थीटा का कितना जाएगा, वन आ जाएगा, खत्म। देख लो, खत्म रे भाई, खत्म तो खत्म। अरे समझ में आया, ये जो टैन इनवर्स है ना, इसको अपन किसको बदल दिए, साइन इनवर्स में। तो टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हाइपो कितना हो जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो रूट हट जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला था क्या, देखो इसको यहाँ सॉल्व किया हूँ, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा था और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट आ जाएगा कॉस थीटा, सही है? तो क्या लिखोगे, साइन यहाँ पे साइन इनवर्स और क्या पी बाई एच, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, खत्म मामला। देखो ये आई टी एडवांस का क्वेश्चन है, देख लो भैया, देख लीजिए, डेरिवेटिव आपका यहाँ खत्म खत्म, अगले बार से फंक्शन, सही है? डेरिवेटिव में कुछ बचा नहीं, मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, देख लो भैया।